हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। और पाइथन प्रोग्रामिंग में एक बार फिर से मैं आपको सिखाऊंगा सीएसवी फाइल। सीएसवी यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये कौन सी फाइल होती है और किस तरह इसको हम एक्सेस करेंगे। सबसे पहले तो पाइथन की आईडी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पाइथन की आईडी ओपन हो रही है, ये देख सकते हैं ऊपर हो भी चुकी है। एक हम एक्सेल ओपन करेंगे, तो एक्सेल पर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर एक फाइल हम जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ रोल नंबर। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का एक छोटा सा डेटाबेस हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं एक्सेल में, और यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट कर देंगे। और फिर यहाँ पे फॉर्मूला भी हमने यूज कर लिया है, देख ही सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं ड्रैग करवा देता हूँ और उससे भी पहले एवरेज कैलकुलेट करके फिर दोनों एक साथ ड्रैग करवाएंगे। तो एवरेज के लिए एवरेज फॉर्मूला होता है, तो इस तरीके से एवरेज आ जाएगा। ये एवरेज हो गया और यहाँ से पकड़िए और यहाँ तक चले जाइए और एंटर कर दीजिए। बस एवरेज भी आ गया और टोटल भी आ गया है, दोनों ही आ चुके हैं। तो अभी पहले इसको कर लेता हूँ डबल क्लिक यहाँ से जाके, और ये डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से जाके इसको डबल क्लिक कर लेंगे, सब आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, लगा लेना है हमें बॉर्डर, तो अल्ट एच पी ए करके बॉर्डर लगा लेते हैं। तो ये बॉर्डर भी लगा लिया। तो रिसाइज करना है, अल्ट एच ओ आई करके रिसाइज भी कर लेंगे। तो ये सब रिसाइज वगैरह हो जाने के बाद इसको सेव करने की बारी है, तो यहाँ से चलते हैं इसको सेव करते हैं। तो ये गए, और यहाँ से एज अ सी एस बी फाइल आपको सेव करना है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। देखिए कॉमा डिलिमिट दिया हुआ है ना, तो ये सी एस बी फाइल में सेव करना है, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, दे दिया स्टूडेंट सी एस बी, स्टूडेंट सी एस बी नाम दे दिया इसको। क्या नाम दे दिया, स्टूडेंट सी एस बी, ठीक है। तो स्टूडेंट सी एस बी के ही नाम से अब हम इसे एक्सेस भी कर पाएंगे। तो ये कर दिया है स्टूडेंट सी एस बी, और स्टूडेंट सी एस बी करने के बाद इसको अब सेव कर देना है। तो हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, किसी फोल्डर में जा सकते हैं आप, ठीक है। अब फिलहाल ऐसे ही कर देता हूँ, तो ये एज अ सी एस बी फाइल सेव हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैंने बंद किया, अब हम क्या करेंगे, यहां से चलेंगे और पाइथन को ओपन। तो पाइथन को तो हमने पहले ही ओपन किया हुआ है, यहां से न्यू फाइल हमें भर ले लेनी है, न्यू फाइल भर ले लेनी है। तो ये न्यू फाइल हमने ले लिया। अब यहां से सबसे पहले तो पांडास आपके सिस्टम में डाउनलोड होना चाहिए, अगर डाउनलोड नहीं है तो यूज नहीं कर पाएंगे। मेरे में पहले से डाउनलोड है, तो यहां लिखता हूं इम्पोर्ट पांडास, ठीक है। तो सीएसवी फाइल को एक्सेस करने के लिए पांडास होना जरूरी है आपके सिस्टम में, ठीक है। इसको डाउनलोड करना होता है एज पी डी, यहाँ पे एज पी डी या कुछ ऐसे लिख दीजिएगा और एंटर करके नीचे आइएगा। जैसे ही नीचे आएंगे तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर उस फाइल का नाम देना। तो क्या नाम दिया था हमने, स्टूडेंट सी एस बी, तो जो नाम दिया था बिल्कुल वही नाम आपको यहाँ पे दे देना, स्टूडेंट सी एस बी इज इक्वल टू पी डी डॉट, हम इसको सिर्फ रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे रीड कर लिया इसको, और यहाँ पे लगा दीजिएगा अंडरस्कोर और यहाँ लिखिएगा सी एस बी, और यहाँ इसका पाथ दे देना है, जो हमारा फाइल है ना उसका पाथ यहाँ पे सेट करना है आपको। तो पाथ सेट करने के लिए कहाँ जाएंगे हम, तो पाथ सेट करने के लिए यहीं पे हमने सी एस बी फाइल बनाई होगी, इसको ओपन करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, यहाँ पर आपको पाथ मिल जाता है, ठीक है, पाथ, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से जाकर के कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद क्या करना है, फाइल में आना है और यहाँ इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको डबल एटेड कॉमा में रखना है, ठीक है। बस ये कर देने के बाद अब आपका काम आसान हो गया। अब एंटर करके नीचे आइए, यहाँ पे प्रिंट करवाइए, तो ये लिखिए प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन कीजिए और यहाँ पे माई सी एस बी को प्रिंट करा देते, क्योंकि हमने क्या दिया था ना, स्टूडेंट, स्टूडेंट सी एस बी, तो स्टूडेंट सी एस बी को प्रिंट करा देते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट सी एस बी, ये फाइल का नाम भी दे दिया है जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से कर दिया है, अब बारी है इसको चलाने की, इसको रन करवाने की। तो यहाँ से F5 करके जब रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि वही चीजें हमें यहाँ पर मिल जाएंगी देखने को। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमें वही वही चीजें मिल रही हैं जो कि हमने एक्सेल में बनाया था। तो ये हमारी एक्सेल फाइल थी, देख लीजिए इसी को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी एक्सेल फाइल है, और नीचे ऊपर देखिए ये हमारी पाइथन वाली फाइल है, यानी कि सी एस बी फाइल, जिसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू कहते हैं, वो वाली फाइल है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये प्रैक्टिकल में दे दिया जाए तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके क्लियरेंस के लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जरूर जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।